मैं नया टॉपिक आपको कराने जा रही हूँ, अवलोकन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसको पढ़ाने से पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक आया था तथ्य संकलन के स्रोत। मैंने बताया था तुम्हें, डिस्क्रिप्टिवली इसको बताया, उसकी यूट्यूब वीडियो भी बनी हुई है, तो मैंने उसी को थोड़ा रिपीट करूंगी। तथ्य संकलन के स्रोत मैंने बताए थे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मैंने बताया था जब हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के लिए हमें आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ता है। आंकड़ों को जो एकत्रित करने की विधि है, आंकड़ों को एकत्रित दो प्रकार से किया जाता है, प्राथमिक तथ्यों के माध्यम से और सेकेंडरी दैतिक तथ्यों के माध्यम से। प्राथमिक स्रोत जो मैंने बताए थे, आपको बताया था अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता को जाकर स्वयं इकट्ठा करना पड़ता है। दैतिक स्रोत बोलते हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, डायरी, संस्मरण पत्र या सरकारी जनगणना, सरकारी रिपोर्ट। जो तथ्य पहले से ही कलेक्ट है, पहले से ही इकट्ठा है, जब उन्हें हम अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है दैतिक संकलन के स्रोत। समझ में आया ना, प्राथमिक स्रोत और दैतिक स्रोत। इन्हीं प्राथमिक स्रोतों में मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था अवलोकन। अवलोकन अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन से बना है। देखिए, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में यदि हम बात करें, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्या होता है, किसी भी समस्या या विषय के संबंध में हमें जानकारी हासिल करनी होती है। जानकारी हासिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि बढ़ते हुए क्राइम है, क्राइम का रेशियो पिछले दशक में कैसा था या अब कैसा है, या तो हम न्यूज़पेपर खंगाल के देख लें, कितने न्यूज़पेपर में कितनी क्रिमिनल घटनाएं घटित हुई हैं, वहां से हमें पता चल सकता है। सबसे बड़ा सहारा आज एक गूगल है, गूगल पे हम डालें, गूगल पिछले साल अपराधिक घटनाएं कितनी घटित हुई हैं, तो वो कहीं से भी ढूंढ ढाल के तुम्हारे सामने डाटा परोस देगा, तुम छाट सकते हो। ठीक है, एक होता है खुद जाना, पता करना। अब तुम कहोगे आपराधिक घटनाओं का पता करने तुम परचून की दुकान पे जाओगे? नहीं, कहां जाओगे? पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने, न्यायालय। कितनी आपराधिक घटनाएं पंजीकृत हुई है यह हमें न्यायालय से पता चल सकता है, पुलिस प्रशासन से पता चल सकता है। तो कहने का मतलब, तथ्यों को एकत्रित करने के असंख्य स्रोत हैं, उसी स्रोतों में से एक स्रोत आया है सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। तो आज हम अवलोकन की बात करेंगे। अवलोकन किसे कहते हैं? देखिए, अवलोकन अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन से बना है। जो ये अवलोकन है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से बना है। देखो, छोटे से उससे हम कहते हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, यानी हमें देख रहा है। कहते हैं डॉक्टर ने पेशेंट को अपने दोबारा से शुरू करते हैं।
ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है, जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर ने पेशेंट को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन कि 72 घंटे रोगी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो कहने का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो डॉक्टर जो होता है डॉक्टर रोगी का इलाज करके उसका ऑपरेशन करके उसमें होने वाले खतरे के प्रतिशत को आकलन करता है कि ये इसकी सांसें कैसी चल रही हैं, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, यदि सब कुछ सामान्य रहा तो वे उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट करके उसे नॉर्मल, जिसे कहते हैं नॉर्मल से साधारण नर्स के ऑब्जर्वेशन में साधारण कमरे में शिफ्ट कर देता है, यही उसे कहा जाता है वो खतरे से बाहर है। ये ऑब्जर्वेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम सामाजिक अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ठीक अपने आंखों से देखना, कानों से सुनना। सी ए मोजर थे, मोजर ने अवलोकन की परिभाषा भी की बताई थी कि अवलोकन में नेत्रों की अपेक्षा कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की संभावनाएं हैं। देखिए कई बार हम अक्सर न्यूज में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में ये अक्सर सुनने को मिलता है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिस जो पीड़ित है उस पीड़ित के साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये सब हम कैसे मान लें कि जो पीड़ित है उसके साथ न्याय नहीं हुआ या पुलिस ने उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं की। जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें, कानों से ना सुन लें, तब तक हम सत्य को सत्य नहीं बता सकते। मैं कैसे मान लूं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की? फॉर एग्जाम्पल, एक घटना हुई, घटना में किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगाया। अब उसका कहना यह है मीडिया के माध्यम से पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। हम कहेंगे पुलिस तो बहुत बेकार है, महिला बता रही है और इसकी एफआईआर प्राथमिकी इसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, वो दर्ज नहीं की। लेकिन हमने मीडिया को देखा, फिर हमने जाकर वास्तविकता का पता लगाया, पुलिस से पूछा कि जो ये न्यूज चल रही है या इस महिला का दावा है कि आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है तो क्या ये सत्य है? तो जब पुलिस ने हमें बताया कि महिला के पास, जो महिला है इसका कुछ आपसी झगड़ा था, इस झगड़े के कारण इसने अन्यथा ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया जिसका इसके पास प्रूफ नहीं है, यानी हमें जाने के बाद, आंखों से देखने के बाद फिर उसने प्रूफ दिखाया, देखो इसने वो पासबुक है, इस व्यक्ति को टॉर्चर कर करके इतने पैसे निकाल रखे हैं। तो जब हमने उस प्रूफ को देखा, कानों से सुना, आंखों से देखा, तब हमें वास्तविकता का पता के क्षेत्र में अवलोकन का प्रयोग क्यों करते हैं, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो बच्चा मैं बताना चाहूंगी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मानवीय इंद्रियों का प्रयोग, इसकी पहली विशेषता है मानवीय इंद्रियों का प्रयोग। देखिए हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि ये कोई केमिकल तो है नहीं कि हम किसी केमिकल से डाल के पता चला गए कि 40% सच है और 60% झूठ है। ये सामाजिक अनुसंधान है, समाज के व्यक्तियों का, उनके व्यवहारों का, जिसको हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, ठीक है, उनको हम ऑब्जर्वेशन करके उनका आकलन कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां हमें ज्ञान प्राप्त करवाती है क्या सही
और क्या गलत है। एक बहू ने अपनी सास के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी सास मुझे बहुत मारती है। फिर हमने लगाया कि उस गांव, एक गांव है, उसकी अधिकतर महिलाएं ये कहती है हमारी सास हमें बहुत मारती है, बहुत प्रताड़ित करती है। मैं तुम्हें इंद्रियों के ऊपर बता रही हूं, ठीक है। तुमने उनकी बात को सच मान लिया, लेकिन तुमने सोचा चलो आज मैं गांव में जाकर खुद देखता हूं कि कितनी बहुओं को उनकी सांस मारती है। तुमने जाकर देखा, गांव में जाने ही लगे थे तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं लकड़ी धोती नजर आई। तुमने पूछा कि अम्मा कहाँ जा रही है, लकड़ी लेके जा रही, बहु खाना बनाएगी मेरी। तुम सोच के अच्छा बहू खाना बनाएगी तो सास जंगल से लकड़ी लेकर जा रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तुमने जाकर देखा और दूर खड़े रहे, तुम पास नहीं गए। बहू ने कहा ए बुढ़िया कहाँ थी इतनी देर से, अभी तक तो लकड़ी लेके आई, बर्तन कौन मांगेगा, चल बर्तन मांग। अब तुम्हें आभास हुआ यहाँ कुछ गड़बड़ है। बहू ने आरोप लगाया था कि सास उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, जबकि तुमने अपनी आंखों और कानों से सुना, आंखों से देखा और कानों से सुना बहू को अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार करते हुए। तो तुम्हें पता चला क्या सच है और क्या झूठ है। मानवीय इंद्रियों का प्रयोग, हम ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई फिजिकल मेजरमेंट नहीं है जो हम नाप देंगे हाँ 70% झूठ निकला 30% सच निकला। इसमें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हम मानव है, हम व्यवहारों का आकलन कर सकते हैं। हाँ भले ही उसके लिए हमारे पास इंचिटेट नहीं है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के प्रयोग से सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, जो कि हमारे माननीय न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक सामग्री का संकलन, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते हैं, प्राथमिक सामग्री, ठीक है, किसके लिए, सामाजिक अनुसंधान के विषय से संबंधित, उसका संकलन करते हैं किससे, ऑब्जर्वेशन से। फिर है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उसमें जो आंकड़े एकत्रित होते हैं वो बहुत कहते हैं ना शार्प, सूक्ष्म, गहन, गहराई तक जाकर हमने देखा कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन हमने उस गांव में जाकर देखा बुजुर्ग महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि जो सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन संपादित किया जा सकता है अवलोकन के माध्यम से, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। कार्य कारण संबंध कहते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा कब से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम देखने लगे कोई टॉपिक है जैसे कृषकों की आत्महत्या है कि किसान आत्महत्या, हम सुनते हैं अक्सर किसान आत्महत्या करते हैं। अब हमने अपना रिसर्च का टॉपिक लिया कृषकों की आत्महत्या है, अब हम इसके पीछे के कारण जानेंगे कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। तो जब हम दूर बैठ के तुम इसका पता लगा सकते हो उधर बैठकर, बस हम इतना ही पता लगा सकते हैं दूर बैठकर तो कि फलाए स्टेट में इतने आत्महत्या हुई, इस स्टेट में इतनी हुई, इस स्टेट में इतनी हुई। लेकिन वास्तव में यदि हमें सही रिसर्च करना है तो हमें अपने अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तुम उस क्षेत्र का चयन करिए जहां से 2 से 5 किसानों ने आत्महत्या की है। तुम उस क्षेत्र में गए, लोगों से पूछा,
पूछा कि भैया जो ये रामलाल किसान है इन्होंने आत्महत्या की थी, किस कारण से की थी? अरे भाई क्या बताएं, कर्जा बहुत बढ़ गया था इनका, घर भी इन्होंने कर्जे में रख दिया था, घर भी बिक गया और फसल सूखा पड़ गया, फसल का मुनाफा ना मिल पाया, इन्होंने आत्महत्या कर ली। जब आप अध्ययन क्षेत्र में पहुंचे तब तुम्हें उनकी दुखद स्थिति का आत्मसात हुआ, तुम्हें उनसे सामना हुआ कि वो क्या वास्तविकताएं थी जो किसानों ने आत्महत्याएं की और क्या कार्य कारण संबंध थे। कार्य कारण संबंध कहते हैं उसके पीछे निहित कारण क्या थे आत्महत्या के, कर्जा, सूखा पड़ना, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति उनकी आत्महत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी सरकार ने मदद ना करके बैंकों ने उसका घर ही जब्त कर लिया। तो ऐसे में व्यक्ति के पास जब कुछ बचा ही नहीं तो उसके पास आखिरी ऑप्शन था आत्महत्या। तो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमें कार्य कारण संबंधों का पता चलता है कि किसी घटना के पीछे क्या कारण थे। निष्पक्षता, जब तक हम खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे, मैंने कहा ना तब तक हम निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। हमने महिला की स्टेटमेंट से जान लिया कि महिला सही है, लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन में गए वहां से सच्चाई को जाना तब हमें पता चला वो महिला स्वयं ही अपराधी है। तो ऐसे में निष्पक्षता भी आती है जब हम खुद अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं। हमने देखा कि कुछ भू ने कहा था कि हमारी सांस प्रताड़ित करती है, लेकिन जब आप अध्ययन क्षेत्र में पहुंचे तो आपको वास्तविकता से आत्मसात हुआ कि वहां तो खुद बुजुर्ग महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। यानी आपको निष्पक्षता कब पता चली, जब आपने खुद जाकर ऑब्जर्वेशन किया, देखा, सुना। प्रत्यक्ष अध्ययन, बिल्कुल जिसे इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, खुद जाकर जो अध्ययन करते हैं, खुद तथ्यों को एकत्रित करते हैं, कुछ भी गलत होने की संभावनाएं रहती ही नहीं है, कुछ छुपावट दोहरावट इसमें रहता ही नहीं है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अध्ययन। लास्ट है इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन के माध्यम से हम विभिन्न शादियों में, जैसे अगर मुझे ये तो चलिए समस्याएं हो गई, मैं गढ़वाली संस्कृति का अध्ययन करना चाहती हूँ, या फिर मैं गढ़वाली हूँ और मुझे कुमाऊनी संस्कृति का अध्ययन करना है, एक तो तरीका है कि मैं गूगल देवता से पूछूं, गूगल कुमाऊनी कल्चर क्या है, तो जितना उसे किसी ने लिखा होगा वो वहां से टीप टाप के मेरे सामने परोस देगा। दूसरा तरीका है मैं किसी कुमाऊनी फैमिली में चली जाऊं, उनके जाने के बाद उनसे पूछूं, या फिर मैं कुमाऊनी शादी में ही पहुंच जाऊं, 5 दिन बोरिया बिस्तर बांधकर उनके यहाँ पहुंच जाऊं और खुद देखूं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी रस्म हो रही है, ये इसमें मामा का रोल क्या है, इसमें बुआ का रोल क्या है, लड़की के माता पिता की भूमिका क्या है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन, और इसमें हम सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी कर सकते हैं। तभी तो इसमें कहा है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। ये है बच्चों अवलोकन की विशेषताएं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अवलोकन के प्रकार, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के प्रकार की बात हम करें तो अवलोकन के 3 मुख्य प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। देखो अवलोकन के 3 प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। ध्यान से समझना, देखो इन सब चीज को किताब से पढ़ोगे वेरी बोरिंग, समझ में नहीं आएगा अवलोकन किसे कहते हैं। सब पढ़ लिया, अवलोकन की विशेषताएं और अवलोकन के बारे में ही नहीं पता चला है कहां उसके प्रकार। मैंने कहा है तुमसे अवलोकन के तीन मुख्य प्रकार है, नियंत्रित अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं जिसमें हमारा यानी अध्ययनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके भी तीन प्रकार है, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। सबसे पहले वाले पे आएंगे सहभागी अवलोकन। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, यदि मुझे कुमाऊनी रीति रिवाज, कुमाऊनी संस्कृति का पता लगाना है कि कुमाऊनी रीति रिवाज क्या होते हैं, या फिर मैं कहने लगू मुझे गुजराती संस्कृति का पता लगाना है, गुजराती संस्कृति क्या है, उनके तीज त्योहार, शादी विवाह, इनके बारे में रिसर्च करना है। तो एक तो ऑप्शन हो गया गूगल, गूगल पे तुमने डाला गूगल गुजराती संस्कृति क्या है, गुजराती त्योहार कौन कौन से होते हैं, गुजरातियों में शादी किस प्रकार से होती है। ठीक है, एक होता है सहभागी अवलोकन, स्वयं गुजराती फैमिली में जाना, वहां लोगों से पता करना, और खास तौर पर ऐसे त्योहारों पे पहुंच जाओ, शादी के उस मौके पर पहुंच जाओ कि जहां पर वो आयोजित किए जा रहे हैं। सामूहिक अवलोकन, अवलोकन के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें एक अनुसंधान करता जहां अध्ययन करना होता है वहां क्षेत्र में स्वयं जाता है, स्वयं घटनाओं को देखता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तब कोई निष्कर्ष निकलता है, तो उसे कहा जाता है सहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं, जैसे आज मैं घर बैठी हूं, मेरे गाइड ने कहा कि मैडम आपको रिसर्च करना है गुजराती संस्कृति पर, मैंने कहा जी सर, तो आप इसमें रिसर्च करिए। तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी से खूब सारी किताबें ले आई, ठीक है, और गूगल पे देख लिया, और एक आंटी थी वो गुजराती थी, मैंने अपना फोन लिया, आंटी आपके यहाँ शादी में क्या क्या होता है, अच्छा फेरे भी साथी होते, अच्छा त्योहार कौन कौन से बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड असहभागी अवलोकन। हम उस जगह गए नहीं, ना हमने जाकर पता किया, दूर बैठे ही हमने विभिन्न माध्यम से घटना उसके बारे में पता लगाया, उसे कहा जाता है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन अवलोकन की वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में ना जाकर घर बैठकर ही उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है, तो उसे कहा जाता है असहभागी। एक अर्ध सहभागी अवलोकन, आधा आधा जाता भी है और नहीं भी जाता। एक टाइम उसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था सहभागी अवलोकन में गुजराती संस्कृति का पता लगाना, तो एक अनुसंधानकर्ता ने क्या किया, एक महीने का बोरिया बिस्तर पैक किया, एक शादी अटेंड की, एक त्योहार अटेंड किया गुजरात में जाकर, पूरे महीने उसने रिसर्च छक के रिसर्च किया, जानकारी इकट्ठे की एक महीने जाकर, और वो अपने घर वापस आ गया और अपने रिसर्च को पूरा किया। ऐसे बागी में वो गया ही नहीं, घर ही बैठा रहा, जानकारी इधर उधर से इकट्ठा कर ली। अर्ध सहभागी में उसने क्या
किया, सुबह गया और शाम को अपने घर वापस आ गया। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की, बाकी उसने अंदाजा लगा लिया कि ऐसे होता होगा। तो अर्ध सैद्धांतिक अवलोकन, उस अवलोकन के प्रकार को कहा जाता है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में थोड़े समय के लिए जाता है, बाकी वो इधर उधर से पता लगाकर अपने तथ्यों को, आंकड़ों को एकत्रित कर लेता है, तो उसे कहा जाता है अर्ध सहभागी अवलोकन। ये है अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार। दूसरा आता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित कहते हैं जिसपे हमारा नियंत्रण है ना, कंट्रोल। तो घटनाओं पर नियंत्रण, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, ये दो प्रकार का होता है। घटनाओं पर नियंत्रण क्या होता है, देखिए ऐसे अध्ययन विषयों को लेना जो सीमित दायरे तक होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे गुजराती या कुमाऊनी संस्कृति की, जो विस्तृत है, जो फैली पड़ी है, जिसे हम समेट नहीं सकते, जिसे हम बस जाके पता लगा सकते हैं। एक होता है घटनाओं पर नियंत्रण। यदि हम किसी अपराधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उस घटना जहां पे वो अपराधी घटना घटित हुई है, या फिर उस घटना को कि जहां पे वो हो चुका है, तो वो क्या होते हैं, वो नियंत्रित अवलोकन की श्रेणी पर आते हैं, या फिर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, बाल अपराधी, महिला पीड़ित, कृषक जिन्होंने आत्महत्या की है, तो जिन पे हम अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखते हैं, हमारा टॉपिक ही ऐसा होता है कि हमारा दायरा विस्तृत होता ही नहीं है। व्यक्तिगत अध्ययन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। किसके माध्यम से, अनुसूची प्रश्नावली के माध्यम से। हम कुछ ही प्रश्नों को पूछे। एक तो होता था कि जैसे हम गए, हमने उनकी पूरी संस्कृति पे रिसर्च किया। एक होता है हम प्रश्नों की सूची बनाकर ले गए, बस उनसे एक सीमित दायरे तक क्वेश्चन पूछे। किससे, बाल अपराधी से, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो विशेष क्राइम में संलग्न है, कुछ महिला अपराधी। ठीक है, तो उसमें हमने उनके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा, जो हम अनुसूची प्रश्नावली बनाए गए, हमने उस दायरे तक ही उनको सीमित कर लिया, क्योंकि हम उनसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हम बनाकर ले गए थे। इसलिए कहा जाता है इसे नियंत्रित अवलोकन, क्योंकि हमारा नियंत्रण कंट्रोल रहता है इस पर, घटनाओं पर या अवलोकन करता पर। इसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, पूछने वाला हम स्वतंत्र हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसी घटना घटित हो रही है उससे संबंधित ऑन द स्पॉट हम कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो ये अवलोकन के प्रकार है बच्चों, अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, दो प्रकार के हैं। और लास्ट आता है सामूहिक अवलोकन, ग्रुप ऑब्जर्वेशन इसको बोला जाता है। ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, जब अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा समूह अध्ययन के लिए जाता है। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि हमें रिसर्च करना है, या अभी अभी टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्थ सेट में आपको फील्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। एक बच्चे को एक टॉपिक दिया जाएगा, ये तो हो गया इंडिविजुअल रिसर्च। एक होता है सामूहिक, कि खूब सारे बच्चों का ग्रुप, मैंने 20 बच्चों का ग्रुप बना लिया, सबके पास एक ही टॉपिक है और सब उसी एक टॉपिक पे जब रिसर्च करते हैं, तो उसे कहा जाता है सामूहिक अवलोकन।
कि जब अवलोकन करता सिंगल एक व्यक्ति नहीं होता, समूह में कोई कार्य करता है तो उसे अवलोकन का सामूहिक अवलोकन कहा जाता है, वो है सामूहिक अवलोकन। ये था बच्चों आपका अवलोकन, जिसे ऑब्जर्वेशन कहा गया है, और ये अवलोकन की विशेषताएं और ये अवलोकन के प्रकार आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो।